सत श्री अकाल ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। इस वेले की वड्डी खबर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल जुड़ी हुई है। दस दिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दे विच पंजाब च फेरी करन दे लई आए सी तां फिरोजपुर प्यारियाणा चौंक ते उन्हां दा काफला जिहड़ा 20 तों 25 मिनट रुकिया सी तां उस समय उन्हां दी सिक्योरिटी दे विच कुताही वरती गई सी, जिस नूं लै के लगातार विरोधी धिरां दे वल्लों भी मौजूदा सरकार नूं घेरिया गया सी। तां हुण पीएम दी सुरक्षा दे कुताही दे मामले दे विच हुण पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों कार्रवाई करन दे निर्देश दिते गए ने। सीएम भगवंत मान दे वल्लों कह दिता गया कि कानूनी कार्रवाई की जाए। जिहड़े अफसर ने उन्होंने नाम भी सामने आए ने जिन्हां अफसरां ते इह कार्रवाई की जाएगी। तो पीएम मोदी दे नाल जुड़ी यह वड्डी खबर है। पीएम की सुरक्षा दे विच कुताही दे नाल जुड़ी हुई यह वड्डी खबर है। तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब च फेरी करन दे लई आई सी। इसे चौंक से उन्हों का काफिला 20 तो 25 मिनट तक रुकया रहा सी क्योंकि अगे धरना प्रदर्शन चल रहा सी। इसे नूं लै के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों पंजाब दे विच फेरी नहीं की गई सी। जिथे उन्होंने पहुंचना सी रैली रखी गई सी उत्थे उह नहीं पहुंचे सी। इसे चौंक तो ही इसे पुल तो ही वह वापस मुड़ गए सी। पर जाते जाते चरणजीत सिंह चन्नी उस वेले मुख्यमंत्री सी उन्होंने ये जरूर कह गए सी कि अपने मुख्यमंत्री नूं ये जरूर कह दिओ कि मैं जिंदा वापस आ गया। उन्होंने अधिकारियों नूं कहा सी कि धन्नवाद मुख्यमंत्री जी कि मैं जिंदा वापस आ गया। तो हुण उसे मामले दे विच सीएम भगवंत मान दे वल्लों कानूनी कार्रवाई करन दे निर्देश दिते गए ने। डीजीपी डीआईजी ते एसएसपी ते पेनल्टी भी हो सकती है ते होर भी कई आईपीएस अफसरां ते कार्रवाई हो सकती है। तो पीएम की सुरक्षा दे विच कुताही दे नाल जुड़ी ये वड्डी खबर है। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों तीनों उच्च पुलिस अफसरां दे खिलाफ अनुशासनी कार्रवाई नूं मंजूर कर लिया गया। गृह विभाग दे नूं वड्डे जुर्माने दे लई पत्र भी लिख दिता गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल जनवरी दे विच सूबे दे विच जो फेरी सी उसे दौरान सुरक्षा दे विच कुताही मामले दे विच साबका पुलिस डायरैक्टर जनरल सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दे ते होर भी पुलिस अधिकारियों खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करन दे हुक्म दिते ने। तो इस खबर से वधेरे जानकारी दे लई फोन लाइन ते मेरे सहयोगी दर्शन खोकर। तां खोकर जी की कुछ जानकारी है क्योंकि पीएम की सुरक्षा दे विच कुताही दे नाल जुड़ी यह वड्डी खबर है। तो सीएम भगवंत मान दे वल्लों कानूनी कार्रवाई करन दे आदेश भी दिते गए ने। जतेंद्र जो यह खबर आ रही निकल के जिन्हां ने कुताही अधिकारियों ने जी हेलो जी जी जतेंद्र जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जेडे भी अधिकारी ने छे अधिकारी ने तीन बड़े अधिकारी है तीन छोटे लेवल के अधिकारी है इन्हों खिलाफ बकायदा सेवा मुक्त जज इंदू मल्होत्रा ने रिपोर्ट दी थी। आधार से हुण पंजाब सरकार ने फैसला लेना पर इहदे विच जुर्माना लाया जा सकदा। जिस तरह विभागी कार्रवाई होंगी उहदे तहत कार्रवाई की जाएगी। कुछ उन्हां दी तरक्कियां भी जां भत्ते भी रोके जा सकदे आ पर एक कमेटी बनेगी। कमेटी अगे उह सारे अधिकारियों नूं पहलां पेश होना पएगा उस तों बाद ही अगे कार्रवाई वधेगी। तुहानूं इह भी जानकारी दे दईए कि वार वार इह गल आ रही है कि अधिकारियों ने इस गल दा ध्यान नहीं रख्या कि सीएम दी जो पीएम दी जो ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। 24 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ 20 ਮਿੰਟ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਆ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣਾ ਸੀ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਰੰਗੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ
पंजाब के पूरे लोग सी देश के किसान सी केंद्र सरकार खिलाफ गुस्सा करते सन। सो भावें कि पीएम कोई उस लैवल का खतरा नहीं सीगा कि कोई एक किसी तरह का हमला हो जाता, पर गड्डी रोकी जा सकती सी, नारेबाजी हो सकती सी। सो इस तरह की तो कोई वड्डी गल है नहीं सी, पर फिर भी एक पीएम के मामले में लैके बकायदा चौकसी बरतनी होंगी है, वो चौकसी नहीं बरती गई। ये भी सी कि पहली पीएम दसया जा सकता सी कि रोड जाम हो सकती है, बाय एयर उन्होंने जाया जाए, पर एक ये भी कहा जा रहा है कि जान बुझ के, क्योंकि जिथे फिरोजपुर रैली वाली थान से जाना सी उत्थे इकट्ठ पूरा नहीं सी होया, जान बुझ के कहिंदे जो रोड आवाज रही पीएम लिजाया गया वो भी कितना ना कितने कुटाही बरती गई है, गलत राय दी गई होनी कि यह रोड खाली है, जबकि किसान उस रोड से भी धरना नहीं बैठे सी। तो बड़िया कटाइया कारण ये अधिकारियों जो पुलिस अधिकारी ने इन्हों हूँ यदा जो है भुगतना पड़ेगा सारा मामला। तो देखते हैं कार्रवाई की होंगी है खोखर जी, क्योंकि एक पासे तो जो प्रधानमंत्री की पंजाब दे विच फेरी सी उदो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री सीगे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता सी, जो पीएम दे वलों कहा गया सी कि अपने मुख्यमंत्री नूं कह दिओ कि मैं जिंदा वापस आ गया तो धन्यवाद उन्हां दा करिओ, पर एक पासे जिहड़े मौजूदा पंजाब दे मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ते उन्हां दे वलों मुआफ़ी भी मंग ली जाती है उस सारे मामले नूं लैके जो पीएम दी सुरक्षा दे विच कही होई सी। जी देखो, पीएम ने उस मौके बयान जारी करके गुस्सा दिखाया कि मैं बच के निकल आया हाँ, तो उतो लगता है कि मुख्यमंत्री से भी कोई कार्रवाई होगी, पर अक्सर जो सियासी लोग ने सीधे तौर पर जिम्मेवार नहीं होंगे, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, क्योंकि अधिकारियों ने उन्होंने देशों के भावें काम करना होंगे, तो लगता कि मिस्टर चरणजीत चन्नी से तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, अधिकारी जरूर कार्रवाई हो सकती है। जी जी, तो धन्यवाद दर्शन खोखर आम जानकारी साझी करने के लिए। तो डी जी पी ते दो होर पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी गई है। दस दिए कि पीएम की सिक्योरिटी दे विच जो कोताही वरती गई सी उसे नूं लैके हुण कानूनी कार्रवाई करन दे आदेश पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों दित्ते गए ने। पिछले साल पंजाब दे विच पीएम दी फेरी सी, उसे दौरान सुरक्षा दे विच कोताही होई सी, तां उसे मामले दे विच हुण भगवंत मान दे वल्लों साबका डी जी पी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, आई जी इंद्रबीर सिंह, एस एस पी हरमनदीप सिंह हंस के खिलाफ कार्रवाई करन दे लई हरी झंडी दित्ती गई है। सूबे दा गृह विभाग हुण इन्हां नूं चार्जशीट जारी करेगा ते इन्हां तों जवाब तलबी भी कीती जाएगी। जानकारी मुताबिक इन्हां दे जवाब देण तों बाद एक जांच अफसर नियुक्त किया जाएगा जो इन्हां नूं दित्ती जाण वाली सज़ा बारे भी कोई अंतिम फैसला लवेगा। पंजाब दे मुख सकत्तर वीके जंजुआ ने गृह मंत्रालय नूं भेजे जवाब दे विच इह सारी जानकारी दित्ती है कि इन्हां ते जिहड़ी कार्रवाई होवेगी उस दे लई भी एक अंतिम फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तों पीएम मोदी की सुरक्षा के कोताही के मामले च सुप्रीम दे सेवा मुक्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की जांच रिपोर्ट से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नू तलब किया सी। मुख सकत्तर ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की रिपोर्ट के आधार पर ही हर अफसर की भूमिका बारे वक्ो वक् नोट बना के तीन अफसर चार्जशीट करने की सिफारिश भी की सी। तो दस दिए कि हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों अपने दफ्तर की सलाह के मुताबिक यह फैसला लिया गया कि इन्होंने अफसर से जिन्हों के नाम सामने आए ने सीनियर अफसर ने इन्हां ते जिहड़ी कानूनी कार्रवाई वह की जाएगी। पीएम की सुरक्षा कोताही मामले दे विच इन्हां दे नाम सामने आए ने, तस्वीरां भी जनतक होईयां ने, तां इन्हां ते कार्रवाई हो सकती है। इन्हां तिन्हां अफसरां तों इलावा एडीजीपी नरेश अरोड़ा ते जी नागेश्वर राव, आई जी एम एस शीना ते राकेश अग्रवाल, तत्काली डीआईजी सुरजीत सिंह ते एसएसपी चरणजीत सिंह तों भी जवाब तलबी की जाएगी, क्योंकि उन्हां दे खिलाफ अनुशासनी कार्रवाई क्यों ना की जाए यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पिछले साल पंजाब दे विच जो रैली रखी गई सी बीजेपी दे वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रैली नूं संबोधन करना सी, उस मौके कहा जा रहा सी कि पंजाब दे लोकां नूं वड्डे तोहफे पीएम दे वल्लों दित्ते जाने ने, वड्डा इकट्ठ रखा गया सी, रैली करनी सी, पर उह रैली दे विच पीएम नहीं पहुँच सके सी, क्योंकि जिथों उन्होंने पहुँचना सी उसते किसानों के वलों धरना प्रदर्शन किया जा रहा सी। पर किसानों का दूजे पास यह भी कहना सी कि जो सानू यह पता लगा सी कि पीएम के काफले के वलों इधर दी लंघिया जाना तो असी सड़क खाली कर दी गई सी, पर दूजे पास यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग उत्थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिस कारण जिहड़ा पीएम का काफला और 20 तो 25 मिनट उस चौंक के उपर रुकया रहा, तो कोताही दे विच वड्डी कह रहे थे कि सिक्योरिटी दे विच वड्डी कोताही वरती गई है, उसनू लैके लगातार विरोधी धिरां दे वल्लों भी
सरकार नू जिम्मेवार ठहराया गया सी तां हुण उसे मामले दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों कार्रवाई करन दे निर्देश दिते गए ने, आदेश दे दिते गए ने, कानूनी कार्रवाई करन दे आदेश हुण दिते गए ने। तत्काली डीजीपी सने तीन अधिकारियों के कार्रवाई के आदेश सीएम भगवंत मान के वालों दिए गए हैं। तो जानकारी मिल रही है कि डीजीपी डीआईजी एसएसपी से पेनल्टी लगेगी या नहीं, तो होर भी कई अफसर से कार्रवाई हो सकती है। तो दस दिए कि लगातार जेकर सीएम भगवंत मान के वालों कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं तो उत्थे ही विरोधी धिरां दे वालों भी वक्खो वक्ख अपने बयान आने सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो उत्थे ही बीजेपी के आगू हरजीत गरेवाल के वालों भी एक बड़ा बयान दिता गया। की कहना हरजीत गरेवाल का, आओ सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो काफिला रोका गया और जो सिक्योरिटी के लिए सेट बने कुछ लोग, वो उसके लिए जिन पुलिस ऑफिसर्स को नामित किया गया इन्वेस्टिगेशन के बाद, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, वो तो ठीक है, और सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए जिन पॉलिटिशियंस ने उनसे करवाया। उस समय जो सत्ता में थे लोग, उसमें जो गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे, उनके बयान भी अजीबोगरीब थे, जो डेमोक्रेसी में नहीं होने चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, देश का गौरव होते हैं, और मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश के होते हैं। अगर उनको इस तरह से होने लगेगा तो ये सुरक्षा के, बाकी लोगों की सुरक्षा का क्या हाल होगा? जिस प्रदेश में ऐसी दशा हो जाए, जो सरकार ऐसी दशा कर दे कि प्रधानमंत्री भी सुरक्षित ना हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत दुखद घटना थी और अफसोसनाक बात थी, जिसके लिए वो समय के जो पॉलिटिशियन हैं उनका भी नाम सामने आना चाहिए जांच के बाद। ऑफिसर्स को तो एग्जम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह का आदेश क्यों माना। ऐसा नहीं था कि सरकार सक्षम नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये पुलिस ऑफिसर भी सक्षम नहीं थे, ये सक्षम थे। इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया और अपने पॉलिटिकल बॉसेस के आदेश की वजह से किया, और मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही बुरी बात है डेमोक्रेसी के अंदर, और इसको आगे से इस टेंडेंसी को ही डिस्करेज करना चाहिए, तो इसके लिए एग्जम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए।